देश दुनिया की हर वड्डी खबर दे हुणे डाउनलोड करो नंबर 1 न्यूज़ ऐप दैनिक सवेरा टाइम्स। दिल्ली दी हिक विच पंजाब लगातार वज रहा है ते अज दिल्ली दे विच किसान मोर्चे दा 28वां दिन है। पंजाबी कलाकार लगातार वड्डी गिनती दे विच शमूलियत कर रहे ने, बार बार भी कलाकार आके किसानां दे हक दे विच आवाज़ बुलंद कर रहे ने ते दिल्ली दी सरकार नूं अपील भी करते नज़र आ रहे हैं। एक बार फिर दिल्ली मोर्चे ते पहुंचे ने गैवी चहल सर, दोबारा पहुंचे हो किसानां दे हक दे विच हिमायत करन, अज दा जिहड़ा पहरावा कुछ अलग ही बयान कर रहा है, काले कपड़े ते हरा किसानी परना। बिल्कुल जी, काले कपड़े आपां कहिंदे आ कि रोस दा प्रतीक हुंदा जी, ते हरा जिद्दां तुसीं गल कीती अपनी किसानी दा प्रतीक आ। सो इह तां चलो एक सिंबोलिक अपने वल्लों एक प्रदर्शन हुंदा, पर बहुत माड़ी गल हैगी जिहड़ा सरकार इह कानून वापस नहीं लै रही। सो पहलां भी आपां गल कीती सीगी वी एडी कीहड़ी गल हैगी है नहीं। सो क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तक ने यह अपने वालों आदेश जारी करते कि कोई कमेटी बनाओ कि इस गल का कोई हल निकले, पर केंद्र सरकार वालों यदा कोई उपराला नहीं किया जा रहा। सो माड़ी गल है, पर चढ़दी कला की गल है, फतेह की गल है कि सारे भैन भरा किसान भैन भरा इकट्ठे हो के अज असी इतने खड़े हाँ तो अपने आप हक वापस लेके ही जावे। इतों की लगता की है, तुम्हें 28 दिन हो गए लगातार किसान कहते हैं कि कानून वापस लिते बगैर वापस नहीं जाना, सरकार हाले भी अड़ी बैठी है, कहते कि कानून वापस नहीं करने, बाकी जो मर्जी करा लो। मैनू किसान अपने की कहते हैं सरकार से हासा आता भी शायद वह कितने ना कि सबर परख रही है। मैं पहले भी गल की सी भी तुसी कमलो साडा सबर परख दो, साडी जिहड़ी कौम हैगी बहुत नाम ने, जे मैं गिनाउण जावां तां मैं कहना 4-5 दिन महीने ही लंघ जाण। सिर्फ एक नाम लैना चाहूँगा, शहीद सरदार ऊधम सिंह, जे तुसी सबर की गल करते हो, क्योंकि सरकार इस मुहिम नूं खिच रही है भी शायद कितने ना कि जे असीं लंबा पा देंगे सारे जाने थक अड़के वापस मुड़ जाएंगे। पर सबर की जिवें आपां गल कीती आ, सिर्फ इक्को ही नाम मैं लिया कमल, तुसीं कहड़े भुलेखियां चों तुसीं अपने सरकारों ये भुलेखे कढ दो, असीं अपने हक लए बिना इत्थों नहीं जावांगे, ते नाले असीं किसे नजायज़ गल दे लई नहीं लड़ रहे। बिल्कुल जायज़ गल है, बहुमत दे विच हर एक लोकां दा साडे नाल साथ है, पूरी दुनिया दे विच विश्व दे विच लोक इस किसान मुहिम दे नाल जुड़ रहे ने। सो पता नहीं हुण मोदी सरकार दे, हुण मैं उह शब्द कहना नहीं चाहूँगा कि थुक के चट्टण वाली गल शायद उन्हां दे लई अड़ी हुई है कि भाई सप्प दे गल दे विच कोड़ के लिए अड़ गई है ना, शायद हुण इह गल्लां नेगियां, पर यकीन है जी वो सच्चे पातशाह का आशीर्वाद असी इत्थे फतेह लैके वापस जावांगे। बॉलीवुड वालों लगातार पहला कंगना रनौत मुकेश ऋषि तो होर कलाकार लगातार अंदोलन लैके गल्लां करते रहे ने, हुण पायल रोहतगी तो होर नवे जिहड़े हैगे इस अंदोलन लैके अपने ट्वीट करते नजर आ रहे, की कहना चाहोगे तुसीं भी बॉलीवुड इंडस्ट्री नाल जुड़े हुए हो, किस तरह देखदे हो सब कुछ? खैर तुसीं इह नाम लैते, मैं तो इन्हां बंदिआं नूं कहिंदा जी ना तो यह 3 च ने ना 13 च ने, सो आपां इन्हां नूं नाम लै के एवीं इन्हां दी वधाई करी जांदे आ जिहड़ी इह चाहुंदे ने। एक PR स्टंट हुंदा भी जे आपां अही जी कोई गल कर देंगे साडा लोक साडा नाम लैणगे असीं मशहूर हो जाएंगे। हुण किसान अंदोलन जिहड़ा साडा हैगा पूरे विश्व पद्धर दे उत्ते जा चुकिआ, इस स्टेज नूं इस अंदोलन नूं लोक अपना एक कहिंदे कि वहिंदी गंगा दे विच हत्थ धो लीए, सो उन्हां लई इह ज़रिया है भी असीं इहदे बारे कोई पुट्ठा सिद्धा बोलीए कि साडा नाम हो जाए। सो मैं तां जी उन्हां बारे बहुत घटिया बयान ने, मैं तां गिणदा ही नहीं जिहड़े तुसीं 3-4 के नाम लए, तो मैनूं तां पता ही नहीं उह है कौण जिन्हां बारे तुसीं गल करती, पर मैनूं पता है कंगना की जिवें तुसीं गल कीती है, जे बहुत कहिंदे ने खैर इस्तरी जात है जी, आपां रिस्पैक्ट करदे आ, कुत्ते भौंकदे हाथी चलदे ने, करी जाण दो जी आपां नूं, उन्हां नूं मैनूं लगदा है कि इन्नी अहमियत देनी नहीं चाहीदी, उह कोई मायने नहीं रखदे। सरकार लगातार अलग अलग बयान आ रहे सरकार वालों, अज चंडीगढ़ दे विच BJP दे लीडर है दिनेश, उन्हां वालों एक फिर बयान जारी किया गया, कहिंदे रेलवे ट्रैकां ते जिहड़े पहलां लोग बैठे सीगे उह जिहड़े सीगे माओवादी कम्यूनिस्ट सीगे, हुण जिहड़े इत्थे बैठे कम्यूनिस्ट माओवादी ते सारे फिर इत्थे धरनिआं ते बैठे होए ने दिल्ली मोर्चे ते, लगातार इदां दे बयान, एक पासे सरकार किसानां नूं बुला रही है मीटिंगां वास्ते, दूजे पासे BJP दे लीडर इदां दे बयान हाले भी लगातार सामने दे आ रहे ने। बिल्कुल जी, देखो अपनी सरकार डरी हुई है जी, उन्हां कोले कोई हुण चारा नहीं रह गया, एक जिवें पहलां कहिंदे सी ना फुट पाओ ते राज करो दी नीति हुंदी सीगी, सो उही चीज़ां दोहराईयां जा रहियां ने, ध्यान भटकाउण दे लई इह थोड़ियां जिहियां छुरलियां छड्डियां जांदियां ने। सो
सिर्फ ध्यान भटकाउण दे लिए सारे एजेंडे वरते जांदे ने। कोई गल नहीं जी, बहुत कामयाबी दे नाल बड़े वधिया तरीके दे नाल साडा संघर्ष चल रहा है, शांतमय तरीके दे नाल संघर्ष चल रहा है। सो ओह सरकार, ये सरकार डरी हुई है, सिर्फ लोगों का ध्यान भटकाउण दे लई ओह अजिहे एजेंडे वरत रही है, अदरवाइज इहदे विच कोई सच्चाई नहीं। नौजवानों का जोश परखिया जा रहा कि कहना कहते जो शांतिमय तरीके चल रहा, नौजवान भी वड्डी गिनती दे विच इत्थे बैठे ने, नौजवान नौजवानी नूं लैके, पंजाब दी नौजवानी नूं लैके लगातार गल्लां आउंदियां सीगियां, पर इत्थे नौजवानों का अलग ही एक रूप देखण नूं मिल रहा वा। बिल्कुल जी, थोड़ी सही गल है। मैं पिछली बार भी 10 दिन हो गए, मैं मेरी तीजी बारी शमूलीयत है इत्थे, उदो यही गल सांझी कीती सी वी अपनी सबर दी परख है, ये भी किन्ना कु सबर है। सो मैं सल्यूट करदा जी सारे यूथ नूं, जिन्हें भी नौजवान वर्ग है, भी जिन्ना शांतमय तरीके दे नाल उन्होंने अपना किरदार दिखाया। सो जिमें मैं तुहानूं पहले ही गल कीती सी वी, इह शुरलियां छड्डियां जांदियां ने, कोई ना कोई विच गल भी भटका दित्ता जावे, कदे नशियां दे नाल जोड़दा नौजवानां नूं कदे कुछ, पर अज देख लो जदों अपने भैण भरावां दी लोड़ पई, अपने परिवार दी लोड़ पई, सारे जाणे उत्थे इक तान के खड़े ने। सो सारिआं दे सारे वहम अपनी नौजवान पीढ़ी ने यह दूर करते, सो अज सारे एक दे एक दूजे दे नाल मोढ़े नाल मोढ़ा ला के खड़े आ। सरकार नूं की अपील है? सरकार नूं जी हथ बन के बेनती है कि अपने कानून वापस ले लो जी, बहुमत दे विच लोकां नूं तुहाडे कानून नहीं चाहिए, है ना जी। चाहे तुसीं वोटिंग करा लो, कुछ मर्जी करा लो, तो जिहड़े भी तुहाडे वहम ने गे वो दूर कर लियो, पर हथ जोड़ के बेनती है कि अपने कानून वापस ले लो। पूरी दुनिया के भारत की बेइज्जती हो रही है, इस मौजूदा सरकार की बेइज्जती हो रही है, कुछ तो शर्म करो, अपने कानून वापस ले लो जी। बिल्कुल ऐसी है, गैबी चाहल जिन्हों का साफ कहना है कि सरकार जी है अंदोलनकारियों का सबर परख रही है, पर अंदोलन जरा शांतिपूर्व चलेगा तो जित प्राप्त करके ही इतों निकलेगा। तो दूजे पास नौजवानों के किरदार को लैके वे बयान देंदे नज़र आ रहे हैं गैबी चाहल, जड़े अज फिर एक बार सिंघू बार्डर किसानों के हक के पहुंचे ने। कैमरामैन रोहित विवेकता, दैनिक सवेरा टीवी, सिंघू बार्डर, दिल्ली। ऑल वर्ल्ड ओपन चैलेंज 17-time गोल्ड मेडलिस्ट मियां रफीक मोहम्मद, पंडित मौलवी बेगम तांत्रिक, इन्हां चोरा ठगा तो सावधान, स्पेशलिस्ट वशीकरण, सट्टा नंबर, लव मैरिज, पति पत्नी च अनबन, विदेश च पक्का होना, कारोबार दा ना चलना, सिर्फ 31 घंटिया विच समाधान, फ्री 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 मियां रफीक मोहम्मद, मोबाइल 84374 94647, 84374 94648।